आदरणीय हमारे समता मंच के सदस्य राजेंद्रदाता, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सम्मानित मंच और सभी समाज से इस मेवाड़ की तरह से पधारे हुए सदस्य हमारे भैया बहन बुजुर्गण और हमारे इस कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से सहयोग देने वाले पुलिस अधिकारी महानुभाव, आपका सभी पधारे जनता जनार्दन, आपका हार्दिक स्वागत एवं हमारे पुलिस प्रशासन एवं पत्रकार बंधुओं का जो हमें पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारी बात को राजस्थान सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सबका पहले पहले आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर देता हूं। मैं आप सभी महानुभाव से पूरे भारतवर्ष में ये मेवाड़ धरा का जो गौरव है वो गौरव पूरे संसार में कहीं छुपा नहीं है। ये मेवाड़ की धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति मर्यादित राष्ट्रभक्त और अपनी संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति है। आदिकाल से मेवाड़ की जनता ने कभी मर्यादाओं का हनन नहीं किया, कभी राष्ट्र संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया और बहन बेटियों की पूरी इज्जत की, और तो और हमारी यहाँ की महिलाओं ने भी अपनी आन बान की रक्षा करने के लिए अपने आप को इस भारत माता के लिए हमेशा हमेशा के लिए आत्मसर्प कर दिया। यह मर्यादित धरती है, मैं इस धरती माता को इंदुआ सूरज माना प्रताप के गौरव को याद करते हुए, हाड़ी रानी को याद करते हुए, पद्मिनी को याद करते हुए, मीराबाई को याद करते हुए, पन्ना धाये को याद करते हुए, मैं इस धरती माता को नमन करते हुए सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम ना तो यहाँ कोई बिकते हैं, यहाँ देश का इस मेवाड़ की धरा का कोई व्यक्ति एक जो यहाँ का सेवक दिल्ली दरबार में जाता है और उसके माथे पर पगड़ी बंधी हुई होती है, दरवाजा छोटा होता है और उसको झुक करके अंदर घुसना पड़ता है, वो मेवाड़ की पगड़ी को हाथ में लेकर के फिर दरवाजे के अंदर घुसता है, अंदर वाला पूछता है भाई ये पगड़ी नीचे क्यों उतारी, उन्होंने कहा मेरा माता झुक सकता है लेकिन मेवाड़ की पगड़ी उसके सामने झुक नहीं सकती, मेवाड़ की पगड़ी है इसके सामने झुक नहीं सकती, मेवाड़ की जनता है। ये मेवाड़ की तरह है, यहाँ का रहने वाला वासिंदा गौरवशाली वासिंदा है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ ना तो यहाँ कोई व्यक्ति बिकता है और ना यहाँ कोई पेपर बेचता है और ना यहाँ कोई पेपर खरीदता है। ये खोटे लोग सब सारे अधिकारी उतर के सारी बुद्धिलब्धि उनके पास आरएस आईएस सारे मेवाड़ की जनता मर मिटने के लिए भारत माता की रक्षा करने के लिए मात्र उसके लिए, और मेवाड़ का व्यक्ति कभी चोरी करता नहीं ना कराता है और करता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। मैं आप साथी से निवेदन करना चाहता हूँ लोकतंत्र की परिभाषा में रह करके आदिकाल से हमारे पुरखे लोकतंत्र की परिभाषा में रहे, आज लोकतंत्र सिखा रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं, और हमारे 400 साल पहले 500 साल पहले महाराणा प्रताप ने उस जमाने में लोकतंत्र किया था, राणा भोजा जालामान बामासा हकीम का सूर और की जाति बिरादरी को राणा पंजा सबको साथ में लेकर के समस्त प्रकार की जातियों को साथ में लेकर के राज चलाया और पूरे संसार में एक आदर्श स्थापित किया और उस आदर्श को भूल करके सरकार और दूसरी और प्रकार की सारी जनता हमारी मेवाड़ के साथ में खिलवाड़ करती है। मैं तो युग पुरुष बताता हूँ दादा दिग्विजय सिंह जी को, जिन्होंने जग क्षेत्र की समस्या को समझते हुए अपने भाइयों के लिए, यहाँ पहाड़ी इलाका है ना, सरकार ने कोई बहुत बड़ा उद्योग यहाँ खड़ा किया जिसमें हजारों मालिकों को रोजगार मिल सके ना, कुछ नहीं, एकमात्र सरकार का जो रोजगार है उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के पीछे रखता भी है, बोलने का पूरा पूरा मैं अध्यापक रह चुका हूँ, रिटायर्ड हूँ, ये भी बता देता हूँ, मुझे भी नौकरी नहीं चाहिए, आपको लगता हूँ मैं 40 साल का जवान हूँ ऐसा, लेकिन मैं रिटायर 2 साल पहले हो चुका हूँ। तो भाइयों लोकतंत्र की परिभाषा में रहते हुए, लोकतंत्र की परिभाषा सारे पढ़े लिखे हैं,
ये मेवाड़ की तरह के भी लोकतंत्र को तोड़ा नहीं, आगे पर इसमें तोड़ेंगे नहीं। राष्ट्र की संपत्ति को एक जरा सुई नोक जितने भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और कोई पहुंचाएगा उसको पहुंचाना भी नहीं देंगे। आमरण आंदोलन सब प्रकार के होते हैं, रेल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस की वर्दियां फाड़ रहे हैं, क्या ये मानवता है? क्या ये हिंदुस्तान की संस्कृति है? इस प्रकार का काम करने वाले लोग कोई आंदोलन करने का उनको अधिकार नहीं। आंदोलन कर रहे सरकार के संबंध में हक रखे तो मान मर्यादा से रखे, इज्जत से रखे। आप ये भारत माता की सारी संपत्ति अपनी है, अपनी मान करके अपनी आंदोलन करेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा, भारत सरकार को झुकना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को झुकना पड़ेगा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, हमेशा मुझे अनुशासन और आदर्श हमेशा मन में आरा दिन आता है। मैं 11 वर्ष तक रेगुलर स्कूल में पढ़ा, कोई एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन प्रार्थना सभा में नहीं गया, क्योंकि मैं ठेठ से अनुशासन का पक्का व्यक्ति हूँ। मैं जब नौकरी की मैं अध्यापक था स्कूल में, तो मेरे पास में अध्यापक नौकरी करने नहीं आते। अरे यार वहाँ बापू का मामला बड़ा तगड़ा है, वहां तो टाइम पर जाना पड़ता, 15 मिनट पहले जाना पड़ता है और 15 मिनट बाद में छोड़ते हैं, और जेल नहीं मिलती है, जेल नहीं मिलती है। बुरा मत मानना, तो हमारे मीडिया वाले उसको हाईलाइट नहीं करे। इस प्रकार का मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, जीवन में ऐसा रहा हूँ, नौकरी हो गई पूरी। तो सबसे बड़ी चीज अनुशासन और आदत जिस व्यक्ति में है, वो व्यक्ति आगे सफलता प्राप्त करता है। मीडिया और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।